और पूर्वी दिल्ली पटपड़गंज के दो ढलाव घर को लेकर मेयर और बीजेपी के क्षेत्रीय पार्षद में ठन गई है। जिन ढलाव घरों को मेयर शैली ओब्राई ने अपने दौरे के दौरान बंद करने के आदेश दिए, वहीं तीन दिन बाद भी क्षेत्रीय पार्षद ने बंद किए गए दोनों ढलाव घरों को खुलवा दिया। बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी ने मेयर पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, कूड़ेदान पर ढकी हुई टिन उखड़वा दी गई है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। दो ढलाव घरों को लेकर सियासत गर्मा गई है। मेयर ने ढलाव घरों को बंद कराया था, क्षेत्रीय पार्षद ने इन ढक्कनों को खुलवा दिया। ऐसे में मेयर और बीजेपी के क्षेत्रीय पार्षद में ठन गई है। आज मेयर पहुंची जनता के बीच में, उनसे जानकारी साझा की, उनसे जानकारी हासिल की। ये तस्वीरें हैं ढलाव घर की। दो दिन पहले मेयर का दौरा था और मेयर ने लोकल जनता को सूचना नहीं दी, पार्षद को सूचना नहीं दी और दो ढलाव घर नेहरू कैंप सेवा बस्ती के बंद कर दिए गए। उसकी व्यवस्था नहीं करी गई, कूड़ा कहाँ डाला जाएगा वो दोनों बंद कर दिए। ऐसी तानाशाही मेयर की, बिना सूझबूझ के, बिना जनता से पूछे हुए, बिना निगम पार्षद से पूछे हुए दोनों ढलाव घर बंद कर दिए गए। आज सुबह मैंने वो चलवा दिए। दो दिन से काफी शिकायत थी, जनता की शिकायत थी, वहां पर सब्जी मंडी लगती है, जिस सब्जी मंडी के लगने से बहुत ही गंदगी हो जाती है। जनता ने शिकायत करी कि ढलाव घर बंद करवा दिए गए हैं, हम कूड़ा कहाँ फेंकें। मैंने आज सवेरे वो चलवा दिए हैं और मैं मेयर से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में आज दो दिन पहले ये हरकत हो गई, आज के बाद ये हरकत ना हो, नहीं तो इसका जवाब बहुत ही सख्त दिया जाए।